नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल केस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतु आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। HRTC के 30 कर्मियों के ऊपर एस्मा के तहत की गई बर्खास्तगी से नाराज कर्मचारी महासंघ ने खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ई विधान अपनाने वाली देश की पहली विधानसभा। विधायक आशा कुमारी को बनाया पंजाब का प्रभारी। कांग्रेस के पास कोई बेदाग व्यक्ति नहीं, कहा पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने। और श्रीखंड महादेव की पावन यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। हमीरपुर के लोगों ने दिया इस यात्रा को नया स्वरूप। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के 30 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत की गई बर्खास्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ विफर गया है और निकाले गए कर्मियों के समर्थन में आ गया है। महासंघ ने एस्मा के तहत की गई कार्यवाही को गैर वाजिब करार देते हुए महासंघ ने मुख्यमंत्री से परिवहन मंत्री को उनके पद से हटाने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष SS जोगटा का कहना है कि न्यायालय की आड़ में परिवहन मंत्री ने 30 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जो कि गलत है। कर्मियों के ऊपर जो एस्मा लगाकर कार्यवाही की गई, उसका महासंघ विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन के भीतर एस्मा को हटाया नहीं गया और कर्मियों की बहाली नहीं की गई, तो महासंघ प्रदेश भर के 7 लाख कर्मियों को लामबद्ध कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, जिसके सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने बताया कि 1992 में भी तत्कालीन शांता कुमार की सरकार ने एस्मा लगाकर कर्मियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके परिणाम शांता कुमार को हार का सामना कर भुगतने पड़े थे। इसलिए प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज ना करें और एस्मा जैसे काले कानून को वापस ले ले। काला कानून, एस्मा जैसे कानून, एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट जो HRTC के कर्मचारियों के ऊपर लगा है, और HRTC का जो मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग GS बाली साहब, जो इन्होंने कर्मचारियों के साथ कुटाराघात किया है, और माननीय न्यायालय की आड़ में, माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा था, इसका हम विरोध करते हैं। और चंद ही दिनों में अगर इसको, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की जाएगी और हम इस मांग को जो है डिसमिसल ऑर्डर जो इनके हुए हैं 30 लोगों के, और बाकियों के जो है चार्जशीट करने को या सस्पेंशन के जो मूव चल रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि HRTC मैनेजमेंट और हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री आदरणीय श्री बालीजी का विरोध करते हैं, और प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जो कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे मंत्री को तुरंत जो है इस विभाग से हटा दिया जाए। अब इतना बड़ा जो काला कानून है, जो मैंने अभी कहा आपको कि आतंकवादी के ऊपर ऐसे ऐसे कानून लगते हैं जो दूसरे समाज के जो एंटी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ये कानून लगते हैं। जो आपका जो रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाला कर्मचारी, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा कुटाराघात कर दिया। गौर रहे कि HRTC कर्मियों ने 14-15 जून को हड़ताल की थी, जिसको प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया था। बावजूद इसके कर्मियों ने हड़ताल की, परिणाम स्वरूप परिवहन निगम ने एस्मा लगाकर 30 HRTC कर्मचारी नेताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जिसको लेकर अब कर्मचारी एवं परिवहन निगम आमने सामने आ गया है और कह रहा है कि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश कभी नहीं दिए। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को देश की पहली ई विधानसभा प्रणाली को अपनाने का गौरव हासिल है। ये सारा कामकाज ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी वजह से हर साल 6,096 पेड़ कटने से बच रहे हैं, जबकि 15 करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश ई विधान प्रणाली को देखने के बाद नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष काफी खुश नजर आए और उन्होंने भी त्रिपुरा विधानसभा को ई विधान से जोड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय कार्य किया है, जिससे समय, पैसे और कागज की बचत होगी। इसलिए नागालैंड सरकार ने भी केंद्र से नागालैंड को भी ई विधान से जोड़ने के लिए अपना प्रस्ताव भेज दिया है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई विधान से जुड़ने के बाद से यहाँ 22 राज्य से प्रतिनिधि आ चुके हैं।
और ई विधान का फॉर्मूला अपने प्रदेश में भी लागू करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आई इन कंसल्टेशन विद माई ऑफिसर्स वी कम टू नो दैट हिमाचल प्रदेश इज डूइंग दिस ई विधान सिंस लास्ट थ्री ईयर्स। वी हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ Information Technology and Communications. They have asked us to go in line with the Himachal model. Therefore, I have come here with my officials to have the first-hand knowledge and also to gain more information so that we can go ahead with the e-Vidhan Sabha even in Nagaland. हिमाचल प्रदेश की विधानसभा देश की पहली ई विधान प्रणाली से जुड़ी है। ये छोटे से पहाड़ी प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला विधानसभा परिसर को अकादमी बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि मंजूरी मिलती है तो वहां पर देश भर के सांसदों एवं विधायकों के लिए ई विधान के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। भेजी है वो शायद इन प्रिंसिपल तो मानी है उन्होंने। उसमें क्या होगा कि सारे ट्रेनिंग जो MLAs हैं MPs हैं और लोग भी जो इच्छुक हैं इसके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ख़ासकर ये एक बड़ा सेंटर बनेगा जिसमें ई विधान की ट्रेनिंग लेने के लिए उनको ये सुविधा प्राप्त होगी। तो बड़ी बात हो जाएगी कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेनिंग अकेडमी जो है उसमें खुलने जा रहे हैं। उसमें अभी मॉडलिटीज जो है वो पूरी कर रहे हैं और साथ में हम अपने जो ई विधान का सिस्टम है इसको भी और सुदृढ़ हम आगे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी हम पूरा। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में लैंड ग्रैब केस में दोषी डलहौजी की विधायक आशा कुमारी को कांग्रेस ने पंजाब का प्रभारी बनाया है। आशा कुमारी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सचिव व डलहौजी की विधायक हैं। बता दें कि आशा कुमारी को हिमाचल प्रदेश में लैंड ग्रैब केस में फरवरी में चंबा की अदालत में दोषी पाया गया था और 1 साल की सजा भी सुनाई गई थी और फिलहाल वो अभी जमानत पर है। डलहौजी बीजेपी की पूर्व विधायक रेणु चड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि प्रभारी एक बेदाग व्यक्ति होता है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास कोई बेदाग व्यक्ति नहीं रहा है और आशा कुमारी पर भी दोष साबित हो गए हैं और फिलहाल अभी वो जमानत पर हैं। रेणु चड्डा ने कहा कि आशा कुमारी के भ्रष्टाचार का साया उनका पीछा नहीं छोड़ता है। आशा कुमारी को जिस प्रदेश में चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रभारी या सह प्रभारी बनाया था वहां कांग्रेस का बुरी तरह से सफाया हो गया है। चाहे उनका अपना चुनाव क्षेत्र हो या दूसरे प्रदेश का हो वहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। उन्होंने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो वो दूसरों को क्या कहेंगे। सचमुच ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है क्योंकि प्रभारी एक बेदाग व्यक्ति होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब कोई बेदाग तो रहा ही नहीं क्योंकि श्रीमती आशा कुमारी तो इज़ ऑलरेडी कन्विक्टेड बाय कोर्ट। हर कन्विक्शन इज स्टेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट बट नॉट वेव्ड असाइड एंड द मैटर इज स्टिल सब जुडिस। तो कई बार मुझे बहुत तरस आता है कि खुद के लिए इनकी तकदीर बहुत तेज़ है लेकिन जहाँ जहाँ लगी छत्तीसगढ़ हरियाणा जहाँ जहाँ भी इन्हें प्रभारी से प्रभारी लगाया पूरी तरह सफाया हुआ कांग्रेस का उन्हीं प्रदेशों में। और उन्हीं प्रदेशों के आगे चलते हुए इनके जो भ्रष्टाचार का छाया है वो इनका पीछा नहीं छोड़ती, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे दूसरे स्टेट्स हों। लोगों का विश्वास तो क्या बैठेगा। एक ही बात बार बार सुनने में आती है कि जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो दूसरे को क्या कहेंगी कि हमारी पार्टी पाक साफ है क्या। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations.
प्रभु दयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी, फर्स्ट पॉलिटेक्निक इन मंडी टाउन. एडमिशन स्टार्ट्स नाउ विद 100% रिजल्ट एंड प्लेसमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. वी प्रोवाइड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, रिफाइंड स्टडी मटेरियल, स्पेशल फी, स्कॉलरशिप फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप फॉर फर्स्ट ईयर. प्रभु दयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक एट बिजनी टाउन मंडी, हिमाचल प्रदेश. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है. आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें. किन्नौर की शोंगटोंग परियोजना में लगे मजदूरों का आंदोलन पिछले लगभग 3 माह से शोंगटोंग में संघर्ष भी देखने को मिला है. किन्नौर के विधायक जगत नेगी लगातार सीटों के निशाने पर है. अब कांग्रेस समर्थित इंटक जगत नेगी के समर्थन में आ गई है और पूरी तरह से अपने नेता का बचाव कर रही है. किन्नौर की शोंगटोंग परियोजना में लगे मजदूरों का आंदोलन पिछले लगभग 3 माह से शोंगटोंग में संघर्ष भी देखने को मिला है. इंटक का कहना है कि शोंगटोंग में लगे मजदूरों को नियमों के मुताबिक सभी तरह की सुविधाएं व वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन सीटू अपने हितों को साधने के लिए मजदूरों को गुमराह कर आंदोलन में जबरन धकेल रही है. जगत नेगी को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जगत नेगी मजदूर हितैषी है और हमेशा से उन्होंने मजदूर हित के लिए कार्य किया. सीटू के नेताओं ने यहाँ पर एक कोर्ट में न्यायालय में अपना एग्रीमेंट किया था कि इनके मजदूरों को वहाँ पर जो पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये सब बात सरासर गलत है. हमने जो है वहाँ पर पिछले 3 सालों में एक यूनियन बनाकर, पटेल वर्कर श्रमटम कर्शन वर्कर यूनियन बनाकर मजदूरों के हित में अभूतपूर्व कार्य हमने किए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी में जो है आज तक लागू नहीं हुआ है. हमने किन्नौर के अंदर मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए JP वर्कर यूनियन का गठन भी किया था और हमने ही जो है सबसे पहले जो है किन्नौर के अंदर मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया था. मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि सीटू ने किन्नौर के मजदूरों के अलावा पूरे प्रदेश के लोगों को और माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया है. इन्होंने न्यायालय में कुछ और कागज़ पेश किए हैं और अपने पोस्टर में कुछ और वाक्य इन्होंने लिखा है और ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है. ये किन्नौर के अंदर भाषण कुछ और देते, शिमला के अंदर करते कुछ और है. ये इन्होंने मजदूरों को बिल्कुल गुमराह किया है. आज जो है किन्नौर का मजदूर हाशिए पर खड़ा है, उनकी 108 लोगों की जो नौकरी इन्होंने छीन ली है. इनके हठधर्मी की वजह से वहाँ के बहुत सारे जो गरीब मजदूर जो भारतीय कोने कोने से आया था वो जो है आज प्लान करना शुरू हो रहा है. के चैनल के लिए किन्नौर से रमिता सोनी की रिपोर्ट. सिटी पुलिस थाना मंडी में टारना वार्ड में चोरी का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है. सिटी पुलिस प्रभारी रामलाल ठाकुर ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून को टारना वार्ड में चोरी की घटना के बारे में सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी की वारदात की जांच शुरू कर दी. दिनांक 25/16 को पुलिस चौकी सिटी में सूचना मिली कि टारना में डॉक्टर अनुराधा के घर पर जो है चोरी हुई है, जो सूचना श्रीमती बबली देवी ने चौकी पर दी. जो इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो श्रीमती बबली देवी ने अपना बयान दर्ज करवाया. इनके घर के ताले टूटे थे तथा अंदर से करीब 15,000 रुपये और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और एक्चुअली सोने की ज्वेलरी जो है कुछ जो है चोरी हुई थी. इस पर जो है केस रजिस्टर किया गया तथा पिछले कल दिनांक 26/16 को एक लड़का सागर कुमार स्नॉप डेट श्री अनिल आरो हाउस नंबर 244/11 टारना मोहल्ला मंडी को
इसमें जो है अरेस्ट किया गया है और तफ्तीश जो है वो जारी है। आज माननीय अदालत के समक्ष पेश करके जो है पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया जाएगा। आरोपी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान चोरी करना जो है मानी है, तफ्तीश जारी है, शीघ्र रिकवरी की जाएगी। सिटी इंचार्ज रामलाल ठाकुर ने बताया कि इस चोरी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। इससे पहले भी इस आरोपी चोरी करने वाले सागर ने मार्च 2016 को इस चौकी के अंतर्गत चोरी की थी, उस पर भी इसको अरेस्ट किया गया था तथा रिकवरी की गई थी। तथा इससे पहले दो केसेज में थाना सदर मंडी ने भी ज्वेलरी की चोरी में इसे अरेस्ट किया था। अभी इसकी ये चौथी यानी कि चौथा मुकदमा हमारे पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसमें तीन केसेज में पहले रिकवरी हो चुकी और चौथे केसेज में भी इसने चोरी करना माना है और शीघ्र ही इसे रिकवरी की जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोमवार को मंडी के गांधी भवन में रोटरी क्लब मंडी के द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की। गांधी भवन में आयोजित शिविर के बारे में जानकारी देते हुए रोटरी क्लब मंडी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा ने बताया कि मंडी जिला प्रशासन के कर्मचारियों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की। जो डॉक्टर्स की टीम है वो मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है और यहाँ पर हम लोग जो सुविधाएं इनको दे रहे हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं हड्डियों के डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो ये सारे लोग मिलकर के अपनी सेवाएँ यहाँ मुफ्त में दे रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ कई सारे टेस्ट करवाने की सुविधा जो है वो रोटरी क्लब ने यहाँ पे आयोजित की है। इसमें बोन डेंसिटी टेस्ट है, इसके अंदर ब्लड शुगर का टेस्ट हो रहा है, ECG का टेस्ट हो रहा है और भी कई तरह के टेस्ट हैं। हमने पब्लिक से यही अपील की थी कि पहले कुछ एक जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी साथ लेके आएँ और ताकि यहाँ कंसल्ट कर सकें डॉक्टर से और एक सही दिशा पा सकें और ये समाज सेवा के प्रति रोटरी क्लब मंडी का उत्तरदायित्व है, इसको हम भली भांति निभा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को मंडी के गांधी भवन में रोटरी क्लब मंडी के द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सभी माता पिता अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। सोमवार को मंडी के गांधी भवन में राजपूत कल्याण सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभा के अध्यक्ष कर्नल मंडियाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम के बारे में राजपूत सभा के सचिव सीताराम वर्मा ने बताया कि राजपूत कल्याण सभा के द्वारा हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सभा के अध्यक्ष कर्नल मंडियाल द्वारा पुरस्कृत किया गया।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और वे जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। आज हम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत बिरादरी के जिन बच्चों ने बोर्ड की परीक्षा प्लस टू और मैट्रिक में 85% और 83% से अधिक अंक लिए हैं, सम्मानित करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष एवं राजपूत कल्याण बोर्ड के निदेशक कर्नल एमके मंडियाल और राजपूत महिला विंग की प्रेसिडेंट श्रीमती मीना चंदेल और यूएस चौहान रिटायर्ड इंजीनियर वो समेकित रूप में बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। श्रीखंड महादेव की पावन यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस पावन यात्रा को हमीरपुर के लोगों ने नया स्वरूप दिया है। पहली बार इस यात्रा को लेकर एक कमेटी का गठन किया है जिसको श्रीखंड सेवा मंडल का नाम दिया गया है और धीरे धीरे से इस यात्रा को लेकर लोगों का जुड़ना शुरू हुआ है जो आज विशाल रूप ले चुका है। श्रीखंड महादेव की पावन यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1994 में पहली बार श्रीखंड यात्रा को लेकर हमीरपुर से कुछ लोगों ने यात्रा शुरू की थी जिनमें इस यात्रा को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी। पहली बार इस यात्रा को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया जिसको श्रीखंड सेवा मंडल का नाम दिया गया है और धीरे धीरे से इस यात्रा को लेकर लोगों का जुड़ना शुरू हुआ है जो आज एक विशाल रूप ले चुका है। भारत देश में सबसे मुश्किल यात्रा इसको माना जाता है जहां पहुंचना किसी भी आम आदमी की बात नहीं है। 5 से 7 दिन इस यात्रा को संपन्न होने में लग जाते हैं और हर दिन इसको लेकर लोग इकट्ठे जाते हैं। हम 94 को हम पहली बार इस यात्रा पे गए थे। जब यात्रा पे गए तो यहाँ से हम 9 आदमी गए जिनमें से 700 वापस आ गए जाओ गाँव से, बाकी 2 आदमी हम यात्रा पे गए। तो रास्ते पे हमने देखा कोई रहने या खाने तो कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। 2 महात्मे भी हमारे साथ जा रहे थे आनी थे। तो जब हम रात को भीमदौर में रात को रहे तो हम तो गाँव के बाहर से सभी लोग उनके पास हमने अपनी रात निकाल ली। हम जाते हैं से हर साल 12 जुलाई को यहाँ से निकलते हैं। हमीरपुर की समिति न सिर्फ यात्रा का प्रबंधन करती है बल्कि वहाँ पर लगातार भंडारे का आयोजन भी इनके द्वारा होता है और यात्रा में आने वाली हर तरह की समस्या को ध्यान में रखकर ये लोग अपनी तैयारियां करते हैं। इस बार 12 जुलाई से यात्रा शुरू होगी जो 25 जुलाई तक चलेगी। समिति के प्रधान तरसेम ने यात्रा को लेकर जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों को यात्रा में हिस्सा बनने का आह्वान किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। HRTC के 30 कर्मियों के ऊपर एस्मा के तहत की गई बर्खास्तगी से नाराज कर्मचारी महासंघ ने खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ई विधान अपनाने वाली देश की पहली विधानसभा। विधायक आशा कुमारी को बनाया पंजाब का प्रभारी, कांग्रेस के पास कोई बेदाग व्यक्ति नहीं, कहा पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने। और श्रीखंड महादेव की पावन यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, हमीरपुर के लोगों ने दिया इस यात्रा को नया स्वरूप।